हैं उससे पहले बड़ी खबर आ रही है सहारनपुर से। तैयार होने से पहले टूटने लगा फ्लाईओवर, देहरादून नेशनल हाईवे पर बन रहा था फ्लाईओवर। दिल्ली से देहरादून तक बनाया जा रहा था हाईवे, फ्लाईओवर के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल। लाखनखोर रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहा था फ्लाईओवर, फ्लाईओवर के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल। लाखनखोर रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहा था फ्लाईओवर, सहारनपुर से बड़ी खबर है। तैयार होने से पहले टूटने लगा फ्लाईओवर, देहरादून नेशनल हाईवे पर बन रहा है फ्लाईओवर। दिल्ली से देहरादून तक बनाया जा रहा था यह हाईवे, फ्लाईओवर के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था। देहरादून नेशनल हाईवे पर बन रहा था यह फ्लाईओवर, दिल्ली से देहरादून तक बनाया जा, इसी खबर पर हमारे संवाददाता लाखनखोर रेलवे क्रॉसिंग, सहारनपुर फ्लाईओवर बनने से पहले टूट, बनने से पहले फ्लाईओवर टूट गया, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया यह फ्लाईओवर। नाम बताइए, सहयोगी गौरव सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया ये पुल, सौरभ क्या कुछ पूरी जानकारी क्या मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार नेशनल हाईवे बना रही है जो एक दूसरे शहरों को जोड़ने का काम करे, जिसमें सहारनपुर को भी नेशनल हाईवे बनाकर प्रगति को ले जाने का काम चल रहा था, जिसमें सहारनपुर से दिल्ली यमुनानगर से देहरादून नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है, जिसमें हाईवे पर बना करे फ्लाईओवर तैयार होने से पहले ही टूट रहे हैं। इससे पहले भी इस प्रकार के कई हादसे सामने आ चुके हैं, जिसमें कि सहारनपुर के लखनऊ स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर यह फ्लाईओवर बनाया जा रहा था, जहां पर ये बनने से पहले टूटकर नीचे गिर जाता है। इससे साफ पता चलता है कि हाईवे पर बनाए जा रहे फ्लाईओवर घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि इन फ्लाईओवरों में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से हादसा हुआ है। और ये हादसा भी हो सकता था, लेकिन इस बड़ा हादसा होने से हादसा बच गया है। जी गौरव, क्या अधिकारियों की नजर इस पर नहीं गई थी जब घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था ये पुल बनाने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो इससे पहले आला अधिकारी ने आज तक मौके पर जाकर इस तरह की कोई जांच नहीं की होगी, जब भी इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, और इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आई हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आला अधिकारियों की जानकारी में इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी कि जिसमें घटिया सामग्री की बात की जाए। और देखा जाए तो जिस कंपनी को ठेका दिया गया है, उस कंपनी के जो ठेकेदार होते हैं, उन्होंने इस घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया था। जी जी जी, इसकी खबर मिलते क्या कोई आया था इसको देखने के लिए जब ये पुल गिरा है ये? तो जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी तक कोई भी आला अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। जी नहीं पहुंचे। जी जी जी, शुक्रिया गौरव, शुक्रिया। एक और ब्रेकिंग इस समय हमारे पास आ रही है।